नमस्कार, अंजलिस रेसिपी में आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। यह रेसिपी शकरकंद से बनती है। शकरकंद हम उपवास में खाते हैं। ये महाराष्ट्र की स्पेशल रेसिपी है, इसे रताळाचा घाऱ्या ही बोलते हैं। तो चलिए आज मैं आपको शकरकंद से रताळाचा घाऱ्या बनाकर दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम शकरकंद ली है, अभी अच्छे से धोकर लिया है। अभी हम इसे उबालेंगे। मैंने कुकर में पानी डालकर शकरकंद रख दिए है और एक ही विजिल लगा लेनी है। तब तक हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। है सौंठ, बड़ी सौंफ और हरी इलायची का मिश्रण बनाना है हमें। मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है, उसमें सौंठ, हरी इलायची और बड़ी सौंफ डाल के इसे अच्छी महीन पीस लेना है। दरदरा पीसा था इसलिए मैंने इसमें अभी एक बड़ा टेबलस्पून शुगर डालकर, यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। और ये भी शकरकंद पक चुके हैं, अभी हम इस पर से स्किन हटा देते हैं। स्किन निकाल रहे हैं, पूरी तरह से क्लीन करना है। अभी हमें इसे स्पून की सहायता से स्मैश कर लेना है। ये अच्छे से स्मैश हो चुके हैं। अभी हम इसमें गुड़ डालने के लिए गुड़ को कद्दूकस कर लेते हैं। ये एक कटोरी शकरकंद का पेस्ट है तो हमें आधी कटोरी गुड़ कद्दूकस करके लेना है। यहाँ पर मैंने शकरकंद एक कटोरी लिया, अभी मैं इसमें आधी कटोरी गुड़ डाल रही हूँ। आप अगर आप ज़्यादा स्वीट खाते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए। अभी हमने जो पाउडर बनाया था वो पाउडर मैं इसमें 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। अभी हमको हाथ से अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेना है। अगर शकरकंद का पेस्ट गर्म है तो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे गुड़ जल्दी पिघल जाता है। अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं अभी इसमें टेस्ट के लिए एक पिंच सॉल्ट ऐड कर दिया है मैंने इसमें। अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी ये शकरकंद के पेस्ट में जितना आटा लगता है उतना ही आटा डालकर हमें आटा गूंद लेना है। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है और मैं धीरे धीरे करके इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये बैटर हमें चपाती के जैसे ही बनाना है। जैसे हम चपाती के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही कंसिस्टेंसी इसकी रहनी चाहिए। और थोड़ा डालना पड़ेगा, थोड़ा लूज है, अब देख सकते हैं। मैंने और थोड़ा आटा ले लिया है। ऊपर से ऑयल या घी डाल सकते हैं और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक 20 मिनट तक के लिए साइड में रख देना है। इसको ढककर रखना है आपको। चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल कर छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आटा अच्छा गूंध कर रेडी हो चुका है। अभी मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ और इसकी रोटियां जैसी बेलनी है। इसको मराठी में घाऱ्या कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। और जब हम पिकनिक जाते हैं तो ऐसे बना लेते हैं। गांव में यात्रा होती है, यात्रा को निकले तो हम ऐसे बनाकर लेके जाते हैं। बच्चे लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। अभी ये फ्रेश है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अगले दिन भी इसका टेस्ट और ही बढ़ता जाएगा। तो बहुत ही खाने में अच्छी लगती है। ऐसे आपको आटा लगाकर राउंड राउंड बेल लेना है। आज मैं आपको दो तरह की बनाऊंगी, एक डीप फ्राई करके बनाऊंगी और एक तवे पर सेक कर बनाऊंगी। अच्छे से गोल गोल बनाना है। थोड़ा इसको मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। बहुत ही बढ़िया इसका कलर तो देखिए कितना अच्छा रहा है। गुड़ तो बहुत हेल्दी होता है और शकरकंद भी बहुत पौष्टिक होता है। दोनों का
दोनों मिलाकर खाए तो बहुत ही हेल्दी होता है हेल्थ के लिए। अभी रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर तवा गरम करने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने थोड़ा ऑयल डाला है 1 चम्मच, और अभी मैं 1 घारी डाल रही हूँ शकरकंद की चपाती। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरह से सेक लेना है, हाई फ्लेम पर नहीं रखना है आपको, मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। इसमें गुड़ रहता है ना, नहीं तो जल्दी से जल जाता है, इसीलिए मीडियम हीट पर ही सेक लेना है। इसको अच्छी तरह से सेकना है, और ये दूध के साथ बहुत अच्छी लगती है, दही के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं इसे। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से भूनकर रेडी हो चुकी है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखिए इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है, और ये बहुत सॉफ्ट होती है। आप ज़रूर बनाकर देखिए दोस्तों एक बार, बहुत बहुत सॉफ्ट होती है ये, और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। हम तो बचपन में ऐसे ही घूमते फिरते खाते थे, बहुत पसंद है मुझे तो ये। चलो रेडी हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया रेडी बनकर रेडी हो चुके, देखिए कितनी खूबसूरत है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही सॉफ्ट रहती है, बड़े बुजुर्ग इसे बहुत ही अच्छी तरह से खा सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरी और एक वैरायटी बताने वाली हूँ। ऐसी रोटी बेल लेनी है, और इसकी कटोरी से छोटे छोटे पूरियाँ कट कर लेनी है, देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पर कट कर रही हूँ। और हमें अभी साइड से निकाल लेने हैं, एक्स्ट्रा जो आटा रहता है वो हम निकाल लेंगे। अभी हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनती है, देख सकते हैं आप। इतना सुंदर कलर आया, मैंने एक छोटा सा पीस डालकर देख लिया था। अभी मैं सब पूरियां डीप फ्राई कर लेती हूँ। रताळाचा घाऱ्या रेडी है, तो चलिए अभी हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। गोल्डन कलर आना चाहिए इसका, सॉफ्ट नहीं रहनी चाहिए ये, खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। किसी भी अचार के साथ भी आप इसका लुक उठा सकते हैं, बहुत बढ़िया और बहुत टेस्टी है। अभी ये पूरियां मैं निकाल ले रही हूँ, अभी रेडी हो चुकी है ये। अभी मैं इसे सर्व कर लेती हूँ प्लेटर में। यहाँ पर देख सकते हैं पहले हमने जो बनाई थी चपाती जैसी, और अभी हमने डीप फ्राई भी कर ली है पूरी की तरह, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगती है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसे लगी, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।